हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। केस स्टडी की इस लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल सक्सेस के बारे में, द राइज ऑफ क्लीन एनर्जी इन इंडिया, कि इंडिया किस तरीके से जो क्लीन एनर्जी है उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि क्लीन एनर्जी क्या हो रही है और किस तरीके से इंडिया उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, क्लीन एनर्जी का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे नेचर से हो, लाइक विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, यहाँ से जो एनर्जी आती है उसको हम क्लीन एनर्जी में काउंट करते हैं। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबली, अगर बात करते हैं ग्लोबली, तो तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी का कंज्यूमर है और इंडिया अब क्लीन एनर्जी का जो रास्ता है उसको चुन रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे कुछ टारगेट्स भी हैं, कुछ लक्ष्य भी हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि क्लीन एनर्जी को ही क्यों, क्योंकि देखो जो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं जैसे कि कोयला हो गया, ऑयल हो गया, इससे क्या होता है ना, प्रदूषण बढ़ता है। जैसे कि आप जो पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल्स की गाड़ी है, इसमें पेट्रोल से क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। और आपको पता होगा कि जो BS6 जो पुराने इंजन थे इससे पहले के, उसको बंद कर दिया गया था, क्यों, प्रदूषण की वजह से। और कहीं ना कहीं हम इसी तरीके से क्लीन एनर्जी की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं और हम यूज़ कर रहे हैं सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी और जो पानी से बिजली बनती है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा टारगेट भी है कि 2030 तक ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हमारी जो एनर्जी मिले वो क्लीन एनर्जी के सोर्स से हमें मिले, यानी कि ऊर्जा के जो नवीनीकरण स्रोत हैं वहीं से हमें मिले क्लीन एनर्जी, इसी को हम कहते हैं। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि यार इंडिया का स्टेटस क्या है, अभी की कंडीशन में हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अभी क्या स्टेटस रखता है। देखिए, इंडिया के अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसके पास में कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 179.2 गीगावाट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। अभी हम केवल रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। रैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया थर्ड पोजीशन पे है रिन्यूएबल एनर्जी में, उस ग्लोबली प्रोडक्शन करने में, और जिसमें कि और फोर्थ है विंड पावर की कैपेसिटी में और सोलार पावर की कैपेसिटी में भी हम फोर्थ पोजीशंस पे हैं। और देखना, आगे आने वाले समय में डेफिनेटली हम आगे जाएंगे और हमारा गोल भी है कि 2030 तक एम है हमारा 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन के थ्रू, ग्रीन हाइड्रोजन को हमें प्रोड्यूस करना है, ये हमारा एम है और हमें अचीव करना है 2070 तक नेट जीरो एमिशन, मतलब कि कंप्लीटली क्लीन एनर्जी पे हम होंगे 2070 के अंदर, ये गोल है और बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। और हमारी अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो ये जो हमने टारगेट रखा है ना 2070 का, आप जान करके हैरान होंगे कि ऑलरेडी ये जो टारगेट है इसका 40% हमने अचीव कर लिया है और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को इंस्टॉल कर दिया गया है जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रही हैं, इसको हमने अचीव कर लिया है 10 लाख तक। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहें तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है बहुत तेजी से बूम आने वाला है इस सेक्टर के अंदर। और अगर हम बात करते हैं कि अच्छा ग्लोबल क्या कंसर्न है, विश्व इसके ऊपर क्या सोचता है, देखिए ग्लोबल कंसर्न ये है कि यहाँ जिस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल्स का, डीजल्स का, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें क्या करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है और ये ग्लोबली एफर्ट से ही हो सकता है, केवल इंडिया के करने से नहीं होगा, सारी कंट्रीज मिल करके इस पर काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं और इसके लिए बहुत सारे आप कह सकते हो कि अलायंस बनना स्टार्ट हो गया, चाहे विंड की बात करें, हाइड्रो पावर की बात करें, जियो थर्मल की बात करें, बायोफ्यूल्स की बात करें, सोलार एनर्जी की बात करें, इनको बढ़ावा देने पर बात हो रही है ताकि हम जो हमारी पॉल्यूशन है उसको हम कम कर पाएं। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आपको पता है जब हम इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ा आपको रोजगार का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आप वहाँ पे अभी की बात करते हैं तो 11.5 मिलियन लोग ऑलरेडी क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में 2030 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नई नौकरियाँ हैं लगभग 24 मिलियन नई नौकरियां मिलने की संभावना है, ये अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि अगर इस पे काम किया जाएगा तो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, इंडिया आगे बढ़ते हुए दिखेगा।
और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर ग्रोथ की बात करें कि ग्रोथ क्या क्या हुई है, देखिए जो ग्लोबल पावर अपने आप में ये इंडिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना जो इन्वायरमेंट है, जो मौसम है, वो बारिश का भी होता है, गर्मियों के भी मौसम होते हैं, विंटर भी होता है, मतलब एक पूरा एक ग्लोबल पावर हाउस की पोजिशन में हम खड़े हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और हमारी पॉलिसी है मेक इन इंडिया, और इसको ऑलरेडी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस सेक्टर को, और सपोर्ट कर रही है तो ये सेक्टर आगे बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि बहुत ही इम्प्रेसिव चेंजेस आए हैं, चाहे वो सोलार एनर्जी हो, मल्टीपल अल्ट्रा मेगा सोलार पार्क्स बन रहे हैं आजकल। आप देखोगे कि जो नए नए स्टेशंस बन रहे हैं, जिनको तैयार किया जा रहा है, उन वो कहीं ना कहीं वो सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो रहे हैं, और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का गोल है। और इसके साथ साथ में हम रिन्यूएबल चीजों पे काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो वहाँ भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है इंडिया वहाँ पे। जैसे कि कुछ स्टेट के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये लीडिंग स्टेट हैं जो कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर और भी जो हमारे छोटे बड़े राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, और इसके अलावा पंजाब हो गया, अगर इनमें भी काम किया जाएगा सोलर एनर्जी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कैपेसिटी है और बढ़ेगी प्रोड्यूस करने की, एनर्जी प्रोड्यूस करने की रिन्यूएबल एनर्जी की। तो इस तरीके से जो इंडिया है वो कम्प्लीटली आने वाले समय में आपको बिल्कुल चेंज होता हुआ दिखेगा, और कम्प्लीटली क्लीन एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज देखो आप इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, हर जगह पे कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और भी अलग अलग रिसोर्सेस हैं जिससे कि हम इस क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहली चीज की जो हमारा एक तो ग्रीन हाइड्रोजन का हो गया, और एक जो वाटर के थ्रू जो हम बिजली बनाते हैं, वहां से भी हम कहीं ना कहीं चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए हाइड्रोजन किस ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ किस क्या होता है, ये एक तरीके का ऐसा होता है कि जो भी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सोलार से हो, चाहे हम विंड से हो, उन एनर्जीज को हम सेव करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो फैक्ट्री हो, गाड़ियाँ हो, व्हीकल्स हो, अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी जब हम वाटर को रिजर्व कर लेते हैं, और फिर उसके प्रेशर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ पर सप्लाई करते हैं। तो इन ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जिससे कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज को बढ़ा रहे हैं डे बाई डे। कंप्लीट इस केस स्टडी में आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया किस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आपको पता होगा यूपीआई तो बहुत तेजी से पूरी दुनिया के ऊपर ये छाप छोड़ चुका है, यूपीआई की जो टेक्नोलॉजी है। और ऐसा नहीं है कि केवल हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी आएंगे आने वाले समय में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चैलेंजेस तो बने रहेंगे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया। साथ ही साथ हमें टेक्नोलॉजी को भी देखना होगा, फाइनेंस को भी देखना होगा। देखिए फाइनेंस, कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है ना, तो वहां पे पैसा लगता है बहुत सारा, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमें देखना होगा जो फास्ट हो, इफिशियंट हो। अगर जरूरत पड़े तो हमें बाकी जो कंट्रीज है वहां से भी, अगर टेक्नोलॉजी में हेल्प लेनी पड़ रही है तो वहां से भी हम हेल्प लेंगे। और ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए, लेकिन इन चैलेंजेस को अगर दूर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, और इंटरनेशनल कोऑपरेशंस भी हमें करने पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मदद से ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये कोऑपरेशन स्टार्ट हो भी चुकी है, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अगर बात करें तो आईएसए बन चुका है, जिसका एम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका एम है मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट फॉर सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट। मतलब कि केवल और केवल जो अलायंस है ये सोलर एनर्जी के डिप्लॉयमेंट पे काम करता है। इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है G20 समिट्स के अंदर, जिसको फोकस है जिसका कि हम बायोफ्यूल्स को प्रमोट करें। तो ये जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ये कहीं ना कहीं हमें ताकत देगा ताकि हम बहुत तेजी से ग्रोथ ले पाएं और अपनी कंट्री को बहुत आगे की तरफ में ले जा पाएं। अगर इस सेक्टर में अगर कोई भी काम करना चाहता है तो उसको और रिसर्च कर सकता है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर भी इसी का होने वाला है। अगर कुछ पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज और इनिशिएटिव ले चुकी है, जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, और गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट करना भी स्टार्ट कर चुका है। गवर्नमेंट जो है उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर चुकी है, राइट? रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के आपको सब्सिडीज मिल रही हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ में काम लेने के लिए अलग अलग आपको स्कीम्स और पॉलिसीज दी जा रही हैं ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। और अगर हम बात करते हैं
कि कहीं ना कहीं हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे आने वाले समय में एनर्जी को लेकर के। अगर बात करें कंप्लीट समरी और कंक्लूजन की, तो ये जो टेबल है ना, जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक जानी सीखी इस कंप्लीट केस स्टडी में जाना किस तरीके से राइज हो रहा है इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ में, तो कहीं ना कहीं ये समरी कंप्लीटली आपके लिए जो भी चीज़ें उसको एक कंप्लीट एक शॉर्ट नोट टाइप तैयार किया मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में। देखिए इंडिया की बात करें अगर करंट स्टेटस की, तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंज्यूमर है जो कि ग्लोबली वो कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये शिफ्ट हो रहा है क्लीन एनर्जी की तरफ। जैसे कि मैंने बताया हमारा फोकस है सोलर विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। गोल है 2030 तक कि हम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें, अचीव करें 2070 तक नेट जीरो एमिशन को। और फिर उसके बाद ये जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के स्टेटस है, अभी कैपेसिटी हमारी 179.2 गीगावाट है, और इसके अलावा रैंकिंग थर्ड है हमारी ग्लोबल रिन्यूएबल प्रोडक्शन में, फोर्थ है विंड और वाटर को लेकर के। अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो 40% इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑलरेडी हम नॉन फॉसिल फ्यूल से अचीव कर चुके हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जॉब यहाँ पे होने वाला है, अगर 11.5 मिलियन लोग करंटली काम कर रहे हैं और लगभग पोटेंशियल है इसके अंदर 24 मिलियन नए लोगों को जॉब देने का। डेवलपमेंट की बात करें तो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये हमारे चैलेंजेस हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ में जो हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है लाइक आईएसए जिसको हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ये दो अलायंस हैं जो और पॉलिसीज और इनिशिएटिव ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। ये कंप्लीट समरी और कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया इसके स्टडी का, और आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और भी एड कर सकते हैं ताकि लोगों का भला हो सके, कुछ सीख सकें। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।